फ्रेंड्स, हम कटरा रेलवे स्टेशन पे हैं और हम अपनी गाड़ी वंदे भारत का वेट कर रहे हैं। अभी 2 बजने को है तो नई दिल्ली से ट्रेन आती होगी। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से कटरा के लिए, इस रूट पे ये चलती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 8 घंटे लेती है। ये 3 बजे कटरा से चलती है और रात को 11 बजे कटरा से नई दिल्ली पहुँचा देती है आपको। इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये स्टेशन जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इसका सीनिक व्यू भी काफ़ी अच्छा है, माउंटेन्स के बीच में है तो सीनिक व्यू भी बहुत अच्छा रहता है। वॉशरूम फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है। मैंने आज तक ऐसा स्टेशन नहीं देखा जो कि बहुत नीट एंड क्लीन हो। अगर हम रूट की बात करें तो इस रूट पे 5 स्टेशन पड़ते हैं। पहला स्टेशन तो कटरा ही रहता है। यहाँ से जब आगे चलती है तो नेक्स्ट स्टेशन जम्मू तवी आता है। उससे आगे चलते वक्त लुधियाना, फिर उससे आगे अम्बाला एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्टेशन हमारा न्यू दिल्ली आ जाता है 11 बजे। फ्रेंड्स, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 कटरा में खड़ी हूँ और मैं वंदे भारत ट्रेन का वेट कर रही हूँ। आज ये ट्रेन पीछे से लेट आ रही है और मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो ट्रेन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाई गई है। इस ट्रेन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एल्युमिनियम बॉडी है इसकी, जिसकी वजह से बहुत लाइट वेट ट्रेन रहती है ये, और फ्यूल कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन की बात करें तो बहुत कम रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी चेयर्स की। बताया जाता है इसकी चेयर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जग बहुत कम आते हैं, 180 डिग्री रिवॉल्विंग चेयर्स हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रेन के जो गेट्स हैं वो स्लाइडिंग डोर्स हैं। जैसे अगर आपने मेट्रो में कभी ट्रैवल किया हो तो आपने नोटिस किया होगा, ट्रेन तब तक नहीं चलती मेट्रो की भी जब तक कि सारे गेट्स बंद ना हो जाएं। सेम है वंदे भारत जो है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, जब तक इसके गेट्स बंद नहीं हो जाएंगे ये ट्रेन नहीं चलती है। और जो टाइम पीरियड रहता है एक स्टेशन का से जब वो रुकती है और आगे बढ़ने का, वो बहुत ही कम रहता है। उसी के टाइम के बीच में आपको बोर्ड और डीबोर्ड करना रहता है, मतलब चढ़ना और उतरने का टाइम बहुत कम रहता है। अगर एक बार गेट बंद हो गए तो टाटा बाय बाय बोल देगी ये ट्रेन, आगे चली जाएगी। फ्रेंड्स, प्राइवेट ट्रेन होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेन का खाना बहुत अच्छा होता है। अब हम एक्सपीरियंस करके आपको शेयर करेंगे। ये फास्टेस्ट ट्रेन है, अभी हम आज इसमें जर्नी करने जा रहे हैं। ये नई दिल्ली से कटरा पहुँची है 50 मिनट लेट। अब देखते हैं हम कितने लेट पहुँचते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके एक्सटीरियर फीचर्स की बात कर लेते हैं, जल्दी आइए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस ट्रेन के एक्सटीरियर फीचर की तो ये बुलेट ट्रेन की तरह से आगे से लुक देता है। और नीचे आप देख पाएंगे ये कैटल गार्ड है। कैटल गार्ड की वजह से क्या होता है, कुछ कैटल्स होते हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाता है ऑन द वे, भाग के आ जाते हैं रास्ते में, तो उसके लिए ट्रेन को और आगे कैटल को ज़्यादा नुकसान ना हो इसके लिए नीचे कैटल गार्ड भी लगाया गया है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन में 2 क्लासेस रहती हैं, एग्जीक्यूटिव कार और चेयर कार। और ये जो है फुली एसी ट्रेन है। डोर्स जो हैं फुली ऑटोमेटिक हैं, स्टेशन आने पर ही खुलते हैं और बंद होते हैं। पैसेंजर्स को सेफ्टी को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पूरी ट्रेन है मेक इन इंडिया है, इंडिया फर्स्ट ट्रेन सेट है ये, इंटीग्रल कोच पैकेज। जय माता दी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने वंदे भारत के सफ़र के। फ्रेंड्स, ये जो डोर देख रहे हैं आप, ये ह्यूमन सेंसर है। जैसे मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ी ये गेट ओपन हो गया। आइए चलते हैं अपने सीट की ओर। फ्रेंड्स, 3:36 का टाइम है और हमारी ट्रेन चल पड़ी है वंदे भारत। अब हम पहुँचते हैं नई दिल्ली इसमें और हम अपना टाइम टू टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने चेयर कार की टिकट बुक की है और ये जो है इसका टेबल है, विंडो है, ये ब्लेंड्स भी अवेलेबल हैं, धूप वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, पैडल भी हैं आपको पैर को आराम को ट्रेस लेने के लिए। ये ऊपर जैसे प्लेन में डेडिकेटेड रीडिंग लाइट्स होती हैं, इसमें आपके पास रीडिंग लाइट्स भी हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। ये ऑटोमेटिक गेट है, ह्यूमन सेंसर, जैसे ही मैं आगे बढ़ी ये खुल गया और हम बाहर आ गए। अब देखेंगे जगह जगह पूरी ट्रेन में कैमरास फिटेड हैं, पूरी सिक्योरिटी का इसको उसमें ध्यान रखा गया है।
फ्रेंड्स, पैसेंजर को कई बार इमरजेंसी में पायलट से बात करनी रहती है, मतलब ड्राइवर से बात करनी रहती है, तो आप यहाँ पे पुश बैक टॉक का सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये बायो टॉयलेट्स आप देख रहे हैं, ये बायो टॉयलेट है और यहाँ पे लिक्विड सोप है, वॉश बेसिन है, हैंड ड्राई के लिए आपको ड्रायर भी दे रखा है और एक चार्जर का पॉइंट भी दे रखा है। फ्रेंड्स, दिव्यांग भी इस ट्रेन में बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे व्हील चेयर के लिए भी पॉइंट दे रखा है और इधर इस सीटिंग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी इस ट्रेन में अवेलेबल है। पैनोरामिक व्यूज मिलेंगे आपको पूरे रास्ते में, आप पूरे रास्ते को बहुत अच्छे से एंजॉय करते जाएंगे। बहुत बड़ी टनल भी आने वाली है इसमें, जिसे हम एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, पानी की बॉटल सर्व हो चुकी है, मैं आपको बता देती हूँ, आप चार्जिंग पॉइंट को ऊपर ढूंढ रहे होंगे, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं, सीट के नीचे इस जगह पे आपको मिलेगा। थोड़ा सा कैमरा में और करके दिखाती हूँ, ये आपको चार्जिंग पॉइंट। चलिए पानी पीते हैं। हमारे पीछे वाली सीट पे कुछ बच्चा पार्टी बैठी है, आप देख सकते हैं ये बच्चा पार्टी बहुत शैतान है, ये बार बार लेंस को ऊपर नीचे कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये ट्रेन ऑप्ट की, क्योंकि यूजुअली मैं नाइट ट्रेन ऑप्ट करती हूँ कि मुझे बैठ के हेडेक ना हो बैठ के जाना, लेकिन काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, आप ये ट्रेन को ऑप्ट कर सकते हैं, आप इसे मिस करेंगे। अब फ्रेंड्स, 4:45 हो चुके हैं और जो ट्रेन है जम्मू तवी पहुंचने वाली है। फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1 आने वाला है और राइट हैंड साइड पे गेट खुलेंगे, इसके अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली हो रही है। अब हम आ चुके हैं बाहर की और अपने कैमरा कैबिन से निकल के दिखाने के लिए आपको ओपनिंग कैसे होती है गेट्स की। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, इस ट्रेन से आप अप एंड डाउन मत खेलिए कि 2 मिनट स्टेशन आया हम नीचे जाके कुछ ले आए, क्योंकि इसके गेट्स ऑटोमेटिक हैं, आपका ट्रेन का गेट एक बार बंद हो गया आपका ट्रेन टाटा बाय बाय बोल के भाग जाएगी आगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगनी स्टार्ट हो चुकी है, हमारी तरह काफ़ी लोग यहाँ पे भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे कि ट्रेन लेट है, कब आएगी। फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाने वाले हैं गेट का ओपनिंग, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए गेट्स की ओपनिंग हो गई है। यहाँ पे जो ट्रेन की रुकने का टाइम है वो सिर्फ 2 मिनट का है, तो आप यहाँ पे चांस मत लीजिए कि हम नीचे जाके ऊपर आ जाए, आपका पकोड़े खाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ ना करें आप इस ट्रेन में, जो आप बाकी ट्रेन में करते हैं, आपकी ट्रेन आपको बाय बाय बोल के आगे चली जाएगी। करना फ्रेंड्स, 2 मिनट भी नहीं हुए यहाँ पे ट्रेन को रुके हुए और जो गेट्स हैं बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई गेट्स बंद हो गए हैं, और जो मैक्सिमम स्पीड है अभी जो ट्रेन की 100 को क्रॉस नहीं की है, 97, 87, 77 के आसपास ही रन कर रही है। माइट बी पॉसिबल टनल्स हैं इस वजह से ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं जा रही, मैक्सिमम इस ट्रेन की जो स्पीड है 180 तक जाती है, लेकिन जो इस रूट पर असाइन स्पीड है मैक्सिमम 130 तक असाइन है।
हमें मिला है लीची का ड्रिंक, इसमें क्या है खोल के देखते हैं। इसमें निकली है एक गर्मा गर्म कचौड़ी, अभी हम और भी देखते हैं। ये है चीज स्प्राइट सैंडविच, कैरमल पॉपकॉर्न, चाय उसकी मसाला चाय, और साथ में कैचअप तो है ही डेल मोंटे का, और हैंड सैनिटाइज़र भी दिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर अभी तक जो हमें सर्व हुआ है ये सात्विक फूड है, इसमें कहीं भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हुआ होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मेरी कचौड़ी ठंडी हो जाए, आइए इसको टेस्ट करते हैं बड़ी सी बाइट लेके। बढ़िया। अब हम आपको अगला आइटम दिखा दें। फ्रेंड्स, ये है चीज़ सैंडविच। चलिए एक बाइट इसको लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ब्रेड काफ़ी फ्रेश है और चीज़ भी काफ़ी अच्छे से स्प्रेड है, ये नहीं कि थोड़ा सा लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। ये भी आ गई है फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है पॉपकॉर्न की। इसमें हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया हुआ है कैरमल पॉपकॉर्न में, ये मेंशन है इसके ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छा है, चॉकलेट की टेस्ट है, चॉकलेट के साथ पफ दही बहुत बढ़िया। अब मेरा लीची ड्रिंक बचा है, ये मैं थोड़ी देर के बाद ट्राई करूँगी इन सबको कंप्लीट करने के बाद। आ चुकी है हमारी चाय उसकी मसाला चाय, चलिए इसको बनाते हैं। चाय को गरम गरम पानी सर्व हो चुका है चाय के लिए, आइए अब इसको चाय बनाई जाए। मसाला चाय काफ़ी ज़्यादा मसाला है इसमें, चाय का जो पाउडर दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेन में लोगों के ओपिनियन सुनाई दे रहे हैं, चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है। अब बारी है हमारा सब करने की। बहुत बढ़िया था फ्रेंड्स, लुधियाना से ट्रेन निकल चुकी है और लुधियाना से निकलने के बाद ट्रेन की जो स्पीड अभी आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, वो भी बढ़ गई है। और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पेट में चूहों की कूदने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। देखिए आ गई स्पीड 131, मैक्सिमम स्पीड पे अभी चल रही है अपने, और चूहे भी धूम 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 धुआं तमाम मचा रहे हैं। आइए चल रहे हैं, हम खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक थाली रखी है, इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है शुद्ध शाकाहारी खाना बिना लहसुन और प्याज के। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं यात्रा के लिए वैष्णो देवी जी की, तो
तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्याज वाला खाना सर्व हो रहा है, हम खाएं ना खाएं ट्रेन में, तो आप बेफिक्र होके, बेखौफ होके आराम से खाइए। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हैं मेंशन है राइस है 100 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें दाल है 120 ग्राम्स। सारे खाने के ऊपर सीकर लिखा हुआ है कि बिना लहसुन और प्याज के है। इसमें वेजिटेबल्स है कुछ 150 ग्राम, देखते हैं क्या निकलता है। मिक्स वेज है, कौन सी वेजिटेबल है। मदर डेरी की दही है, टॉप्स का अचार है मिक्स पिकल, और लास्ट में आता है ड्राई वेजिटेबल। अच्छा, दो सब्जियां हैं भाई, तो माइट बी पॉसिबल इसमें क्या है देखते हैं। पनीर की सब्जी हो। सबसे पहले हम खोल रहे हैं राइस ताकि हम देखें राइस की शक्ल कैसी है। प्लेन वाइट राइस है, देखने में अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक लग रही है, बाकी खा के पता लगेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दाल की तरफ, देखते हैं दाल तड़का निकलती है, दाल मखनी निकलती है, कौन सी दाल है ये, कुछ गेस करेंगे कौन सी दाल निकलेगी, कौन सी लॉटरी निकलने वाली है। मुझे तो दाल तड़का लग रही है, बाकी देखते हैं क्या निकलता है। इसमें थोड़ा रख लेते हैं वापस ट्रे में, ट्रेन बहुत हिल रही है क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पर चल रही है अपने, तो झटके अच्छे दे रही है, अभी जर्क्स लग रहे हैं। ये चने और मूंग की दाल है, मिक्स दाल दिख रही है हमें। आगे बढ़ते हैं सब्जी की तरफ, तो ये पनीर की सब्ज़ी निकलनी चाहिए जहाँ तक मुझे अंदेशा है। क्या कहते हैं, पनीर निकलेगा? बोलिए बोलिए, कमेंट्स में लिखिए पनीर निकलेगा। अरे यार, कुछ गेस तो किया करो, तुम लोग तो बिल्कुल वीडियो देखने में लग जाते हो, कुछ कमेंट लिखो। हाय, पनीर निकल आया, ओए बले 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 बले। अब निकलती है ड्राई वेजिटेबल्स, देखते हैं क्या निकलता है। मिक्स वेज निकलती है या कोई और कुछ स्पेसिफिक सब्जी निकलती है। ओह, गाजर मटर आलू सूखी सब्जी, शिमला मिर्च भी दिख रही है भाई थोड़ी सी। और ये आपको साथ में दिया गया है आयोडाइज सॉल्ट कैच का, और संग है इसके काली मिर्च का पाउडर कैच का ये भी। और रोटियों की देखते हैं, रोटी है, पराठा है, क्या है। फ्रेंड्स, माता के वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान जयकारे लगा लगा के मेरा गला बैठ चुका है, तो मेरे गले पे मत जाएं। ओह वेरी गुड फ्रेंड्स, इसमें ये पराठे निकले हैं जो हमने लास्ट टाइम ट्रैवलिंग के दौरान पराठे देखे थे, वो कच्चे थे, ये थोड़े बेटर लग रहे हैं, बाकी खा के देखते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे शुरुआत करूँ, बताइए किससे शुरुआत करूँ। इसको हम थोड़ा ऐसे मैनेज कर देते हैं, सामान बहुत ज़्यादा हो गया खाने के लिए, हमें लग नहीं पा रहा हम इतना सब कुछ खा सकते हैं, इतनी हमारी डाइट है नहीं, मगर आपके लिए हम सब कुछ टेस्ट करके बताएंगे। हमने पहला कॉल तोड़ा और ये गए हम दाल की ओर। बढ़िया, ठीक है खाना। मेरे हिसाब से हल्की सी, बहुत लाइटली सी मिर्ची मुझे थोड़ी तेज लगी, मैं हल्का मिर्च खाना प्रेफर करती हूँ, तो मेरे हिसाब से मिर्ची थोड़ी तेज है। अब बढ़ते हैं पनीर की ओर। ये भी अच्छा है, पनीर फ्रेश है। पनीर की सब्जी में अगर पनीर फ्रेश नहीं होता
तो सब्जी का मज़ा ख़राब हो जाता है। पनीर फ्रेश है। चलिए फ्रेंड्स अब पनीर को थोड़ा चावल के साथ फ्राई कर देते हैं। चावल भी अच्छा है, मोटा चावल नहीं है, गुड क्वालिटी। अच्छा लगा मुझे ये खाना खा के। अब खा सकते हैं, खाने लायक खाना है। अब बची है एक सूखी सब्जी, इसको उन्हें कोई पाप नहीं किए तो इसको भी खा लेते हैं। मैं नहीं कहेगी मैंने कौन सा पाप किया भाई, जो मुझे नहीं खाया गया, मुझे वीडियो में नहीं दिखाया गया। ये भी अच्छी है, आलू मीठे नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो बहुत सी सब्जी में मीठे आलू निकलते हैं और स्वाद का बेड़ा गर्क हो जाता है। चलिए आइए हम थाली कंप्लीट करते हैं और अपना रिव्यू शेयर करते हैं। हमने अपनी स्नैक्स के टाइम पे हमें जो लीची दी गई थी वो हमने बचा के रखी, हम इसके साथ इसे इंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स हमारा मील कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना लीची का ड्रिंक भी ले रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कंप्लीट होने पे ही है बस। चलिए इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स मील जो है काफ़ी अच्छा था और क्वांटिटी देखने में कम लग रही थी लेकिन एक एडल्ट के लिए मोर देन सफिशेंट है। बड़ी मुश्किल से हमने इस मील को कम्प्लीट किया है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का हमारा बहुत अच्छा रहा। जस्ट अभी अम्बाला स्टेशन निकला है, अब वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स न्यू दिल्ली। हमारी स्वीट डिश आ चुकी है, अमूल की आइसक्रीम आई है, वनीला आइसक्रीम आई है। आइए ट्राई करें। मुझे पर्सनली बटर स्कॉच ज़्यादा पसंद है, कोई नहीं वनीला से भी हम काम चला लेंगे। नाइन्टी एम एल का कप है ये। आइसक्रीम तो यार हमेशा ही बड़ी होती है, किसको बुरी लगती है। और न्यू दिल्ली आने को भी जैसे कि आप अनाउंसमेंट सुन नहीं पा रहे होंगे, अब हमारी जो जर्नी रही वंदे भारत की काफी अच्छी रही, कंफर्टेबल है, खाना अच्छा है। आज ट्रैक ना मिलने के कारण ट्रेन न्यू दिल्ली से कटरा ही लेट आएगी, इस वजह से हम लेट हो गए। 11:30 हो चुके हैं, 11 बजे का टाइम है जो दिल्ली पहुंचने का। काफी अच्छी ट्रेन है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली के लिए अपने सबसे, तो काफी अच्छी ट्रेन है। कटरा से आप दिल्ली आए, अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा, हमने दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली की जर्नी अपनी कंप्लीट की। माँ वैष्णो देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत बढ़िया ट्रेन रही हमारी, आने का सफर भी बहुत बढ़िया रहा। इस ट्रेन में बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए आप और कहाँ जाना चाहेंगे और मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कहाँ लेके चलूँगी।